सलमान खान का को-स्टार कौन नहीं बनना चाहता? बॉलीवुड में किसे नहीं है सलमान खान की फिल्म में काम करने की चाहत? लेकिन अगर आप भी है एक एक्टर और आपको आया है सलमान खान फिल्म से कास्टिंग कॉल, तो हो जाइए अलर्ट, क्योंकि हो सकता है आप किसी फ्रॉड का शिकार हो जाए। वेल यस, सलमान खान फिल्म्स ने ऐसे कास्टिंग कॉल्स के खिलाफ सबको वार्न किया है और ऐसे फ्रॉड करने वालों को भी दे दी है लीगल एक्शन की वार्निंग। पर आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके बाद सलमान खान का प्रोडक्शन हाउस लोगों को वार्न करने पर मजबूर हो गया है, यही हम आपको इस स्टोरी में आगे दिखाएंगे। ये सलमान खान की पॉपुलैरिटी का ही असर है कि हर कोई उनके साथ काम करना चाहता है। पर रिसेंटली सलमान खान फिल्म्स की तरफ से आया है एक अलर्ट, जो है फेक कास्टिंग कॉल्स को लेकर। सलमान खान फिल्म्स के ऑफिशियल सोशल मीडिया पेज पर आए इस मैसेज में लिखा है, दिस इज टू क्लैरिफाई दैट नीदर मिस्टर सलमान खान नॉर सलमान खान फिल्म्स आर कास्टिंग फॉर एनी फिल्म करंटली। वी हैव नॉट हायर्ड एनी कास्टिंग एजेंट्स फॉर एनी ऑफ आवर फ्यूचर फिल्म्स। वेल, सलमान खान फिल्म्स ने तो ये क्लियर कर दिया है कि उनका बैनर करंटली किसी एजेंट के थ्रू फिल्म की कास्टिंग नहीं कर रहा। साथ ही सलमान खान फिल्म्स की तरफ से ऐसा फ्रॉड करने वालों के लिए वार्निंग भी सामने आई है, क्योंकि सलमान खान फिल्म्स के क्लैरिफिकेशन में आगे एक स्ट्रॉन्ग वार्निंग भी है। पोस्ट में आगे लिखा है, प्लीज डू नॉट ट्रस्ट एनी ईमेल्स और मैसेजेस रिसीव्ड बाय यू फॉर दिस पर्पस। Legal action will be taken if any party is found falsely using Mr. Khan's or SKF's name in any unauthorized manner. बता दे कि लास्ट ईयर जुलाई में खुद सलमान खान ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर ऐसी ही वार्निंग फैंस और फॉलोअर्स को दी थी। तब मामला किसी का भाई किसी की जान की रिलीज के बाद का था, और इस बार भी टाइगर 3 की रिलीज के बाद जब सलमान खान के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं, तो सलमान खान फिल्म्स की तरफ से आई है ये वार्निंग। वर्क फ्रंट की बात करें तो सलमान खान करण जौहर की अपकमिंग फिल्म द बुल में नजर आएंगे।